नमस्कार, बीसीएन न्यूज के छत्तीसगढ़ के खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो डालते एक नजर आज के छत्तीसगढ़ के खबरों पर। कोरोना के बचाव के लिए बड़ी उम्मीद के रूप में कोविडशील्ड वैक्सीन की पहली खेप बेमित्रा में पहुंच गई है। 16 जनवरी को अस्पताल के सफाई कर्मियों को प्राथमिकता के अनुसार पहला डोज 3300 बेमित्रा, बेरला व नवागढ़ को देकर प्रारंभ किया जाएगा। पहली खेप वैक्सीन के पहुंचने से जिले में कौतूहल आम नागरिकों के बीच में रहा। वैक्सीन से भरी गाड़ियां आते ही कलेक्टर शिव अनंत तायल इन्होंने बुधवार की शाम अस्पताल परिसर में स्थापित जिला वैक्सीन व कोल्ड भंडार गृह पहुंचकर वैक्सीन भरी गाड़ी आते ही कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बुधवार की शाम अस्पताल परिसर के स्थापित जिला वैक्सीन व कोल्ड भंडार गृह पहुंचकर कोरोना वायरस कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्राप्त दवाई का अवलोकन किया। जिला मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा ने बताया फिलहाल 333 वायल प्राप्त हुए है, जो की कुल 3330 खुराक है। एक वायल मतलब शीशी 10 लोगों के टीकाकरण किया जाएगा। 16 जनवरी से शासन के निर्देशानुसार सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ, महिला बाल विकास विभाग व सफाई कर्मचारियों को यह टीका लगाया जाएगा। इसके बाद पुलिस विभाग और 50 वर्ष से अधिक आयु समूह के नागरिकों को यह टीका लगेगा। मुख्य तौर पर जो कोविड का वैक्सीनेशन चालू किया जाना है, टीकाकरण इसके जो कोविशील्ड कंपनी का आ रहा है और ये भारत शासन के द्वारा दिया जा रहा है और मुख्य रूप से ये सभी जो शासकीय स्वास्थ्य संस्था है वहीं पर लगाया जाएगा और शासन प्रशासन के निर्देश में ये पूरा कार्य किया जा रहा है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या मार्केट में ये टीका उपलब्ध नहीं है और इस तरह से यदि किसी के द्वारा भी कॉल किया जाता है कि टीका लगाने के लिए आधार कार्ड दीजिए या अन्य कोई डॉक्यूमेंट दीजिए, तो जब तक यहाँ से निर्देश न हो इस तरह का कार्य नहीं किया जा सकता है और ये करना भी उचित नहीं है। पर एक प्रकार से फर्जी तरीके की बात आ जाती है कि लोग बाग भ्रम में पड़ करके और अपने उसके लिए या तो किसी प्रकार की राशि दी या कार्ड दिया, ये दिया, ये सब देने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णतया निःशुल्क लगाया जा रहा है और सिर्फ शासकीय संस्थाओं में लगाया जा रहा है। उसके लिए जो है टीकाकरण केंद्र बनाए गए ऑलरेडी बन चुके हैं और अभी 16 तारीख से इसकी लॉन्चिंग भी की जा रही है, मुख्य तौर पर जिला चिकित्सालय बेमित्रा में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरला में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में। अन्यथा ये बाजार में इस तरह का टीका न तो उपलब्ध है, न इस तरह के टीके लगाने की कोई व्यवस्था है। तो लोगों को जो है इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है फर्जी तौर पर, उससे बचना चाहिए। बीसीएन न्यूज के लिए बेमित्रा छत्तीसगढ़ से विजय देश लहरे की रिपोर्ट। बिहार के खबरों के बाद रुक करते छत्तीसगढ़ के खबरों का। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर बुधवार को जिले के तीनों विधानसभा में भाजपा द्वारा किसानों के समस्याओं और बरदानों पर व्यवस्था की बकाया राशि का भुगतान करने एवं एक मुश्त 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दिए जाने, धान खरीदी की मियाद 1 माह और बढ़ाने की मांग को लेकर भाजपा व किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। राज्यपाल के नाम से अनुविभागीय अधिकारी नवागढ़ को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के भूपेश सरकार की नीतियों पर जमकर भड़ास निकाली। धरना प्रदर्शन में शामिल पूर्व सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेसी नेता किसानों के नाम पर खाली राजनीति कर रही है। भाजपा कांग्रेस सरकार के किसान विरोधी चरित्र को बेनकाब करने में, किसानों के साथ न्याय करने के लिए प्रदेश सरकार को बाध्य करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। बारदानों की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। प्रदेश सरकार बताए कि केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से धान खरीदी के लिए कितने बारदाने मुहैया कराए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से दयावंत बांदे, देवदास चतुर्वेदी, डॉक्टर जगजीवन खरे एवं क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए आज पूरा प्रदेश में राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरा हर विधानसभा क्षेत्र में जो भूपेश सरकार के विरोध में किसानों के द्वारा जो अन्याय अत्याचार किया गया है, किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में आज नवागढ़ विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। अभी हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। यहाँ पे किसान की दयनीय स्थिति है। आप जाके देखो धान खरीदी केंद्र में बार दाना नहीं है, उसका मेड़ कटाई कर रहे हैं, रकबा काट रहे हैं, बोर का रकबा काट रहे हैं। और जो दूसरा बात, किसान 40-45 रुपए में बार दाना खरीद करके ला रहा है और ये बोलता है 15 रुपया दूंगा, कहे वो 2 साल का दिया नहीं, इसका क्या भरोसा। हम ये लबरो सरकार के, हम किसानों को कोई विश्वास ही नहीं है। साथ ही साथ
पेट्रोल में भी दो दो ढाई ढाई किलो। नवागढ़ छत्तीसगढ़ से विजय देश लहरे की रिपोर्ट। प्रदेश भर के पंचायत सचिव संघ ने अपने एक सूत्री मांगों को लेकर आज 20वें दिन भी हड़ताल पर रहे, वही आज बिल्हा में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक तीसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी रही, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को भूख हड़ताल की सूचना दी गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अमले टीम ने भूख हड़ताल में बैठे सचिवों को सूधी लेने तक नहीं पहुंचा। ऐसे में हड़ताल पर बैठे पंचायत कर्मियों का गुस्सा शासन व आला अधिकारी के ऊपर फूट पड़ा। वही सचिव संघ के अध्यक्ष गंगेलाल निर्मलकर ने बताया कि आज विगत 20 दिनों से हमारी हड़ताल जारी है, जिसमें 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे, जिसमें शासन प्रशासन की ओर से ना ही कोई सुध लेने आया और ना ही अब तक किसी भी तरह का शासन की ओर से कोई जवाब। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होने पर पंचायत सचिवों ने उग्र आंदोलन करने की बात कही व धरना पर बैठे, और रोजगार सहायकों ने शासन के ऊपर नाराजगी जताते हुए कहा कि आज हम 16 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें किसी भी तरह का सराहनीय शासन की ओर से नहीं आया है। ऐसे में हमारे संघ के आह्वान पर आगे की रणनीति सुना जाए। मेरा नाम मनहर लाल वर्मा है, ग्राम पंचायत पोड़िया का और अपने रोजगार सहायक संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग का लगभग 16वां दिन है आज, और हमारे सभी 3 सूत्री मांग है। हम लोग लगभग 13-14 वर्ष हो गए काम करते, अभी तक मानदेय के रूप में 5 साल से नीचे वालों को 5,000 दिया जाता है, 6 साल वालों को 6,000 रुपया दिया जाता है। बहुत कम ही मानदेय में हम लोग अभी तक काम करते आ रहे हैं, और शासन के हर दिशा निर्देश को, जैसे 29 विभाग का सचिव लोग के साथ हम लोग काम करते हैं, और हमारे काम के हिसाब से हमारी स्थिति एकदम गंभीर स्थिति में है। शासन को हम हर दिशा निर्देश को अपने पालन करते हैं, और हमारे जो 3 सूत्री मांग है, सबसे पहले मांग है ग्रेड पे और नियमितीकरण है। दूसरा, जो हमारे नगर निगम पंचायत को नगर निगम में शामिल किया गया है, उस साथियों को बाहर कर दिया गया है उसको सम्मिलित करने के लिए, और तीसरा है सचिव भर्ती में रोजगार सहायक को सीधी भर्ती के लिए हम लोग मांग रखे हैं। वरीयता के आधार पे हम लोग को 16 दिन, अभी मांग पूरा नहीं होने पर हमारे प्रांताध्यक्ष के आह्वान के हिसाब से हम लोग बैठे हैं। जैसे उन लोग दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे रणनीति चलते रहेगा। हम लोग का धरना प्रदर्शन 26/12/2020 से चालू हुआ है। उसके पहले हम लोग शासन से अपने मांगों को लेकर कई बार ध्यानाकर्षण कराए। हम लोग का मुख्य मांग है पंचायत सचिवों का सम्मिलियन 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण का, किंतु शासन के द्वारा आज तक इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। हम लोग विगत 25 वर्षों से एक वेतन मानदेय से कार्य प्रारंभ किए थे, किंतु अभी तक हम लोग को संतुष्टजनक वेतन मान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम सब हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और विगत 3 दिनों से, आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल का, क्रमिक भूख हड़ताल चालू है। इसके पश्चात हम लोग का रायपुर में घेराव होगा, उसके पश्चात हम लोग का अमरन अनशन पर भी हम लोग बैठेंगे। कावेरी खोसले, ग्राम पंचायत संघ में रोजगार सहायक सदस्य। हम लोग 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 दिन हो गया है और 3 दिन हो चुका है भूख हड़ताल में है, और हम लोगों का दिन ही मांग है ग्रेड पे निर्धारण का नियमितीकरण किया जाए। ग्राम पंचायत रोजगार सहायक है जिनको नगर निगम में शामिल किया गया है, उन रोजगार सहायकों को जिन्हें ग्राम पंचायतों में काम दिया जाए और उन सेवा में रखा जाए। और तीसरा है रोजगार सहायकों को सचिव में सीधी भर्ती किया जाए। मांग पूरा नहीं होने पर हम लोग जैसे संघ के आह्वान से बैठे हैं, जैसे प्रांताध्यक्ष कुछ भी बोलते हैं तो वही हम लोग भी कर। अभी तो कुछ ही नहीं आया है, अभी तक कुछ नहीं है, अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज मेरा भूख हड़ताल है। जनपद बिल्हा से विजय देश लहरे की रिपोर्ट।